औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित पिरवा पंचायत में चौदहवीं वित्त योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों के अंदर जोरदार आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया का कार्यकाल समाप्त होने पर है और अब तक पंचायत के कई वार्डों को सरकार की योजनाओं से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों के द्वारा मुखिया और पंचायत सचिव के ऊपर आरोप है कि बिना कार्य किए पैसे का निकासी हो चुका है। हमने और हमारी टीम ने जब जमीनी स्तर पर जाकर वार्डों का निरीक्षण किया तो सच सामने आया और सच्चाई ये है कि अब तक ग्रामीणों को मुखिया के कार्यों से दूर दूर तक वंचित रखा गया। वहीं जब वार्ड नंबर एक के सोनारचक गांव के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि मेन रोड से लेकर अशोक शर्मा के घर तक ईंट शोलिंग तथा PCC योजना के तहत 5 लाख की राशि थी, जहाँ एक भी ईंट नहीं लगाया गया और पैसे की निकासी कर लिया गया। वहीं जब मुखिया सिद्धनाथ मिश्रा ने वार्ड नंबर एक के सोनारचक गांव के कार्य के तहत फोन कर बताया कि साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि अब तक उस गांव में हम वोट मांगने नहीं गए और ना ही जाएंगे और उस गांव के कार्य को ना किए हैं और ना ही हम करेंगे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अब तक ग्रामीणों के पास मौजूद है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। है कहें ये मोहल्ला में किसी का पानी नहीं मिलता है, जब से बना है धान प्याज आलू गेहूं यही चीज पकता है, उसे बाकी किसी ग्रामीण जनता को नहीं मिलता है। घर में पानी नहीं जाता किसी है? को नहीं, उसे आलू प्याज होता है। आलू प्याज हाँ। होता है अगर हुआ मेरा घर सुनारचक हुआ। क्या समस्या आप लोग यहाँ? सर मुखिया जी के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा वित्तीय वर्ष 19-20 में एक काज PCC काज करना था, जो काज नहीं किया गया और पैसा निकासी कर लिया गया, जो माह अप्रैल माह से जून माह के बीच में इसको पूर्ण कर दिया गया। जो 5 लाख रुपए इस पर निकाल लिया जा रहा है तो हल्का फुल्का काज किया जा रहा है। अभी भी 10 योजना बाकी है जिसका काज कराना है और श्रीमान से हम कहना चाहते हैं कि पिरवा पंचायत में बड़े पैमाने पर घोटाला भ्रष्टाचार किया गया है मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा, जिसका हम सूचना के अधिकार के तहत भी हमने आवेदन मांगा था। अपीलीय में हमने गए, प्रथम अपीलीय में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिला। हमने द्वितीय अपील लगाया है जिला पदाधिकारी का, इसके बाद सूचना आयुक्त पटना भी हम भेजे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पूरे पंचायत में 1,40,00,000 रुपये का गमन किया गया, पूरा सबूत है मेरे पास और सभी विभाग में आवेदन भेजे हैं स्पीच पोस्ट माध्यम के डाक द्वारा और सभी का रिसीविंग है। DM साहब का भी रिसीविंग है, देख सकते हैं। DDC का भी हम भेजे हैं और हर विभाग में भेजा हुआ है, कमिश्नर के यहाँ भी भेजे हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब लोक शिकायत में हमने आवेदन दायर किया है तो संज्ञान लिया गया है, तो पूरे प्रखंड में खलबली मचा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इन पर इतना कार्रवाई किया जाए, FIR किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आपका क्या कहना है? लिया जा रहा है तो हल्का फुल्का काज किया जा रहा है, अभी भी 10 योजना बाकी है जिसका काज कराना है और श्रीमान से हम कहना चाहते हैं कि पिरवा पंचायत में बड़े पैमाने पर घोटाला भ्रष्टाचार किया गया है मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा, जिसका हम सूचना के अधिकार के तहत भी हमने आवेदन मांगा था। अपीलीय में हमने गए, प्रथम अपीलीय में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिला। हमने द्वितीय अपील लगाया है जिला पदाधिकारी का, इसके बाद सूचना आयुक्त पटना भी हम भेजे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पूरे पंचायत में 1,40,00,000 रुपये का गमन किया गया, पूरा सबूत है मेरे पास और सभी विभाग में आवेदन भेजे हैं स्पीच पोस्ट माध्यम के डाक द्वारा और सभी का रिसीविंग है। DM साहब का भी रिसीविंग है, देख सकते हैं। DDC का भी हम भेजे हैं और हर विभाग में भेजा हुआ है, कमिश्नर के यहाँ भी भेजे हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब लोक शिकायत में हमने आवेदन दायर किया है तो संज्ञान लिया गया है, तो पूरे प्रखंड में खलबली मचा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इन पर इतना कार्रवाई किया जाए, FIR किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आपका क्या कहना है? जब आप देख रहे हैं कि PCC ढलाई सोनारचक गांव के मुख्य मार्ग से अशोक के घर तक गया है PCC ढलाई का, जबकि एक छरी भी इसमें नहीं गिराया गया है, सारा पैसा गायब है। मतलब आप लोग को धमकी दिया जाता है? हाँ, धमकी भी मिलता है कि जो जहाँ जाना है से करो। हम लोग ये मतलब समस्या लेके DDC DM
जिला पदाधिकारी और ये अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ हिसाब के पास जाते हैं तो वह पीच करता है, वो कहता है कि का कर लेगा से देखेंगे ना, इस तरह के भी समस्या है बाबू। हाँ तो ये सोनारचक गांव है और यहाँ पर देखिए सड़क का जो है ये मतलब मुखिया के द्वारा इसको पास कर दिया गया, अब तक ये सड़क नहीं बना है। आप ये बता सकते हैं यहाँ सोनारचक गांव के ग्रामीणों के बीच काफी आक्रोश और दुखी दिख रहे हैं यहाँ के लोग। हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये सड़क है, काफी बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ देखिए आप, एक लंबी सड़क है और उसको पास नहीं किया गया है। यहाँ पर खेतीहर किसान लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। हम गांव में मुखिया से बात किए थे, हम यही कह रहे हैं कि मुखिया से बात। हाँ तो मुखिया आए हैं गांव में एक बार भी आए हैं, जीतने के बाद नहीं आए, नहीं है तो आप ग्रामीण भी साथ में है। और ये आगे में ये गांव का अशोक शर्मा का घर पड़ता है यहाँ पर, कार्य पूरा कर लिया गया है, मतलब यहाँ तक सड़क नहीं बनी है, कार्य को पूर्ण करने दिखा दिया गया है। हाँ कार्य को पूर्ण करने का दिखा दिया गया है लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है। पैसा निकासी हो चुका है लेकिन काम नहीं हो पाया है। हम विकास चाहते हैं, विकास तो नहीं हुआ, आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई का चाहते हैं, मुखिया का आने वाला है, मुखिया का, मुखिया का कार्रवाई हो, जितना जल्द कार्रवाई हो। क्या नाम है मुखिया का? सिद्धनाथ मिश्रा, उनके पिताजी का नाम है राजेंद्र मिश्रा। आप वोट दिए थे उनको? हाँ दिए हैं। आप ही लोग? हम तो उसको गमछी का माला पहनाए थे जो कि हमने जिताया था उसको, बाकी हमने साथ इतना बड़ा गद्दारी कर दिए कि हम क्या बतावे, जो नहीं बताने लायक भी नहीं है, जो कि हम मट्टी फेर रहे थे अपने घर का, गमछी का बांध कर ऐसे बनाकर माला पहना दिए, जाइए आप जीत गए। पंचायत सचिव है? हाँ। कौन पंचायत में पड़ता है? तिरहुत पंचायत। क्या समस्या है? सुना कि आपके चेकबुक पर साइन करवा दिया गया है, अब पैसा का उठाव कर लिया गया है, क्या बात सच है? हाँ। किसके द्वारा किया गया इसे? निर्भय द्वारा और ग्राम सेवक मौजी का सिन्हानंद। अच्छा, आपको उससे कुछ लाभ मिला? नहीं, 5,000 तक हमको लाभ मिला है, बस इसके अलावा। गांव में कुछ विकास उकास हुआ है? विकास वही वो वाला गली हुआ, इधर कहाँ नल जल योजना? नहीं हुआ। नली गली नहीं हुआ। इसको कंप्लेन किए मुखिया से? हम नहीं किए हैं। मुखिया से कंप्लेन किए आप लोग? पूछे हम लोग पूछे। अच्छा, हम लोग अथी नहीं बना, कोई काम नहीं हो रहा, गली हम लोग 3 फीट रास्ता से नीचा में है, मगर गली जो है 3 फीट 4 फीट नीचा में है, तो बताया कि ठीक है हो जाएगा, कहते कहते हम 5-6 बार मुखिया से मिले, बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारा रास्ता जो हम लोग पानी में कम से 3 फीट नीचा पानी गड्ढा में खोल के जाते हैं बराबर, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप क्या बोलना चाहते हैं चाची? अभी इधर आओ। हमको गली सोलिंग भी होना चाहिए। अच्छा, ना हुआ है? नहीं, नल जल भी होना चाहिए। नल जल नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ये कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन हम नहीं किया है, हमको कोई कहे नहीं। यहाँ के वार्ड कौन है? यहाँ का वार्ड जनसु। वार्ड से बोले हैं? नहीं बोले हैं, बोलते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम करावेंगे, नहीं करा। हरजन सीट है, हरजन सीट है, हरजन सीट होगा तब होगा। यानी नल जल योजना नहीं मिला है यहाँ? नहीं हुआ है, सब ऐसी। कौन पंचायत में गांव पड़ता है? किरवा पंचायत में। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 2 में है। मुखिया से गुहार लगाए हैं आप लोग कि नल जल योजना दीजिए हम लोग को? मुखिया मिला थे? मुखिया नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, घर है, भेटाई देते नहीं, भेटाई देते।